नमस्कार, भारत रत्न न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंजलि। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सिद्धार्थनगर जिले के बांसी कस्बे में लगने वाले ऐतिहासिक माघ मेले का उद्घाटन आज प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने विधिवत पूजा पाठ के बाद किया। ये मेला 1 माह 5 दिन तक चलेगा। मेले की स्थापना स्वर्गीय पंडित राजेंद्र प्रसाद त्रिपाठी ने सन 1954 में की थी। तभी से मौनी अमावस्या के दिन इस माघ मेले का आयोजन होता आ रहा है। इस बार कोविड-19 के कारण मेले का आयोजन थोड़ी देर से किया जा रहा है। मेले के उद्घाटन में स्वास्थ्य मंत्री का जमकर स्वागत किया गया। स्वागत समारोह में नाबालिग बच्चों से बैंड बाजा बजवाया गया, जो आप वीडियो में देख सकते हैं। इस मेले का आयोजन बांसी नगर पालिका द्वारा किया जाता है। मंत्री जी के स्वागत के दौरान नगर पालिका के जिम्मेदारों को ये भी ख्याल ना रहा कि जिस नाबालिग बच्चे के हाथों में किताब होनी चाहिए थी, उसके हाथों में बैंड बाजा मेला आयोजकों ने थमा दिया। वहीं मेले का उद्घाटन करने आए स्वास्थ्य मंत्री ने मेले की ऐतिहासिकता के बारे में बताते हुए कहा कि ये मेला इस जिले व बांसी की पहचान है। मेले को और भव्यता देने के लिए नगर पालिका प्रशासन को कड़े निर्णय लेने पड़ेंगे, तभी इसको और भव्य बनाया जा सकता है। स्वागत में नाबालिग बच्चे द्वारा बैंड बाजा बजाने के सवाल पर मंत्री ने कहा कि मैंने तो देखा ही नहीं कि कोई नाबालिग बच्चा भी बैंड बजा रहा था। अब जब वीडियो में नाबालिग बच्चा साफ साफ बैंड बाजा बजाते दिख रहा है, तो आखिर कैसे मंत्री जी को ये नाबालिग बच्चा नहीं दिखा? ये भी देखना होगा कि इस वीडियो को देखने के बाद क्या इस माघ मेले के इस कारनामे पर मेला आयोजकों के खिलाफ कोई कार्रवाई भी होगी। सिद्धार्थ नगर से नियामतुल्ला की रिपोर्ट। और सातवां माघ मेला वर्ष कितनी प्रगति हुई, क्या इसमें और यही कहा जा रहा है कि कोविड-19 देखिए 68 साल हो गया आज के बांसी के माघ मेला को लगने से, और ये जरूर है कि जैसे जैसे आबादी बढ़ी और बहुत सारे जगहों में मेला का आकार बन गया, अलग शहरों में भी मेला लगने लग गया, उससे हमारा बांसी का मेला एक प्रकार से सीमित हो गया और यहाँ के गांव और यहाँ के जिला के अंतर्गत यही एक मेला रह गया। अन्यथा पहले तो बहुत दूर दूर से लोग आते थे। तो जैसे एक सुझाव भी आया है, जैसे हमारे पूर्व सांसद आदरणीय डॉक्टर चंद्रशेखर त्रिपाठी जी ने कहा कि अब इसका समय आ गया कि जो हमारे योजनाएं होती है सरकार की, उनकी प्रदर्शनी लगना आवश्यक है, जिससे जनता को जानना भी चाहिए कि उसमें क्या क्या चीजें उनके फायदे के हैं, किससे उनका जीवन में उद्धार हो सकता है। ये चीजें का भी उनको करना चाहिए, खेल का भी कुछ न कुछ कार्यक्रम होना चाहिए। ये सारी चीज को पूरा उसमें उल्लेख करते हुए उसमें रखने के बाद तब इसका होना चाहिए। तो अभी तो जैसे सामान्य लगता है वैसे लगता है। अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।